नमस्कार, आज हम यामिनी राय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस समय बंगाल में हर चितेरा अवनींद्रनाथ टैगोर के नक्शे कदम पर चलने में गौरव का अनुभव करता था, उसी समय टैगोर कलम की चमक से बेजार अपनी स्वतंत्र मेधा के बल पर चित्रकला का एक नया आयाम प्रस्तुत करने वाले कलाकार थे यामिनी राय। यह वह कलाकार था जो पूर्ण आधुनिक था, पर पेरिस में उभरी आधुनिकता का नकलची नहीं, वह था अपनी परंपरा और वातावरण में पला विशुद्ध देसी कलाकार, जो संसार के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की सूची में महत्वपूर्ण स्थान पा सका। लोक कलाकार के रूप में वे इस कारण लोकप्रिय हुए क्योंकि उन्होंने अपनी शैली को संवारने में बंगाल की अल्पना, मृण मूर्तियाँ तथा पटुआ व कालीघाट रेखांकनों से सीधी प्रेरणा ग्रहण की। यामिनी बाबू का जन्म पश्चिमी बंगाल के बांकुरा जिले के वालियातोर ग्राम में 1887 में हुआ। उनके पिता श्री राम तारण एक प्रतिष्ठित जमींदार होते हुए भी एक शिल्प प्रेमी तथा सच्चे दिली इंसान थे। पिता से दाय में मिले शिल्प प्रेम ने यामिनी को एक कलाकार दिल में बदल दिया। इसी से राम तारण ने उन्हें उनकी रुचि के अनुसार कलकत्ता के कला विद्यालय में प्रवेश दिला दिया, जहां इस तरुण कलाकार ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से कला शिक्षा ग्रहण करनी प्रारंभ की। लेकिन विधाता कुछ और ही चाहता था। उनकी रग रग में बसी थी ग्रामीण सादगी, बसा था गांव का वातावरण व सीधी सादी अभिव्यक्ति की चेतना। अतः कलकत्ता कला विद्यालय की शिक्षा पद्धति उनके मर्म को न छू सकी, उन्हें कतई नहीं भाई। अतः यूरोप के चित्र संसार का लुभावना रूप भी उनके जहन को तनिक भी न छू सका। तेल रंग, कैनवास, मॉडल और वादों की क्रिया प्रतिक्रिया उनके लिए विदेशी रही, पूर्ण विदेशी। इसी से उनका मन कला विद्यालय में न रम सका और बिना डिप्लोमा लिए विद्यालय छोड़ दिया। अब वे स्वतंत्र थे। उन्होंने उपेक्षित लोक कलाओं व बाजारू कहे जाने वाले कलाकारों से सीखा और उनकी चित्र शैली अनेक परिवर्तनों से गुजरी। बंगाल में इन चित्रों को पट कहा जाता है और इनके बनाने वाले पटुए कालीघाट, पश्चिम बंगाल, असम तथा उड़ीसा में बहुत प्रसिद्ध हैं। यामिनी राय भी स्वयं को गर्व से पटुआ ही कहा करते थे। उन्होंने पश्चिमी शैली, जैन शैली, वॉनगो की पद्धति, ठाकुर शैली व लोक शैली का अभ्यास किया था। मेयो कला विद्यालय लाहौर के सहायक निदेशक, फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज के प्रधान पद पर, लाहौर के सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट के निदेशक पद पर वे रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारत विभाजन के समय वे दिल्ली आए एवं शिल्पी चक्र संस्था की स्थापना की। वास्तव में यह कलाकार 50 वर्ष तक निरंतर कला साधना में लीन रहे एक सच्चे वैष्णव जन की भांति रंग व रेखाओं के प्रयोगों में अपने को ऐसा समर्पित किया कि उन्हें अभिव्यक्ति की बिल्कुल मौलिक तर्ज मिल गई। जब उन्हें त्रिआयामी रूप से द्विआयामी रूप का घाट प्राप्त हो गया तो उन्होंने एक ही चित्र को बार बार बनाया, क्योंकि वैष्णव विश्वासों के अनुसार हरि बार बार उच्चारण करने से जो ज्ञान दीप्ति प्राप्त होती है वह ईश्वर की ओर ले जाती है। इस प्रकार चित्र के माध्यम से उन्होंने ईश्वरी सत्य का अनुशीलन किया। उनके चित्रों में उच्च दिव्यता व नैतिकता के मूल्यों की स्थापना उनके इसी गुण के कारण हुई। उन्हें 1955 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें भारत का पिकासो कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार, पाश्चात्य कला विद्वानों ने कला का पैगंबर कहा और अवनींद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें पवन पुत्र हनुमान कहा। वे शांत व अशांत दोनों मनस्थितियों में त्वरित गति से चित्र रचना करते थे। अपनी कला के उत्कर्ष काल में इन्होंने प्रतिदिन 10 चित्रों की रचना की। अपने संपूर्ण जीवन में इन्होंने लगभग 20,000 चित्र बनाए, काष्ट मूर्तियां बनाई। इन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी चित्र 350 रुपये से अधिक मूल्य में नहीं बेचा।
वे रंगों को अपने ही घर पर अपनी ही विधि से तैयार करते थे। लाल हिरमिच रंग गेरू से, पीला रामरज व पेवड़ी से, नीला नील से, सिंदूरी सिंदूर से, हरा रंग स्थानीय पहाड़ी के रज कणों से, धूसर रंग जलोढ़ मिट्टी से तथा काला काजल से तैयार कर उन्हें इमली के बीजों से प्राप्त गोंद या अंडे की सफेदी में मिलाकर तैयार करते थे। उन्होंने सदैव टेम्परा माध्यम को ही प्राथमिकता दी। कैनवास भी वे घर पर कते धागे से तैयार कपड़े पर जलोढ़ मिट्टी तथा गोबर के घोल को पोतकर तैयार करते थे। प्रारंभ में उन्होंने पोर्ट्रेट पेंटिंग व परंपरावादी कला को सीखा तथा इसे ही उन्होंने अपनी आजीविका का सहारा बनाया। लैंडस्केप पेंटिंग में भी उनकी बहुत अधिक रुचि रही तथा माने व वॉन गॉग से प्रभावित रहे। प्रकृति के भव्य रूप को उन्होंने अपने दिल के आईने में झांक कर बनाया। उदाहरणार्थ वे कभी पहाड़ों पर नहीं गए, लेकिन वहाँ के नैनाभिराम चित्रों की दीप मालिका मिश्रित कर डाली। पहाड़ियों के अंतराल में बसी दैविक रोशनियों और रंग वहाँ की ठंडक व ताजगी को नए नए स्वरूपों में प्रकट कर दिया इस चित्रकार ने। लेकिन चित्रकारी का यह रूप उनके जीवन का पर्याय न बन सका, क्योंकि इसमें त्रिआयामी नीरस तत्व थे, लेकिन इन तत्वों से छुटकारा पाने की छटपटाहट उनमें थी। वीरभूमि, मिरानपुर, हुगली, मुर्शिदाबाद, बर्दवान व बांकुरा में पटुओं, चित्रकारों और कालीघाट के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण कर उन्होंने अपने को विदेशी प्रभाव से मुक्त किया। 1928-31 के मध्य उन्होंने जिन चित्र शैली का विकास किया, जिसमें संथाल जनजाति की स्त्रियों का दैनिक जीवन तथा बंगाली महिलाओं के घरेलू जीवन के दृश्य मुख्य रूप से बनी, उनकी यही शैली आगे भी चलती रही, जो रंगों में अधिक मौलिकता लाने के लिए संघर्षरत रही। 1937 में बाद उन्होंने कई वर्षों के लिए अपनी तुलिका से ईसाई विषयों को चित्रित किया, लेकिन भारतीय रंग और रेखाओं की परंपरा में ईसा मसीह के अंतिम भोजन तथा क्रूसीफिक्शन जैसे हृदय स्पर्शी चित्र वे बना सके। 1940 के बाद से उन्होंने पशुओं, मछलियों आदि के चित्र बनाने प्रारंभ किए। बिल्ली, केकड़ा, मछली व हाथी इस श्रेणी के कुछ प्रसिद्ध चित्र रहे हैं। अब चित्रों में सादगी व रेखा का घुमाव, गति व गोलाई का बोध कराने में पूर्ण सक्षम थे। उन्होंने पोत टेक्सचर को भी बहुत महत्व दिया है। चटाई की कैनवास बनाकर चित्रित करना उनकी अपनी एक विशेषता थी। उनके चित्रों में मूर्ति शिल्प का भी प्रभाव लगता है, क्योंकि वे स्वयं भी मिट्टी से अनेक खिलौने बनाते थे। इसके अतिरिक्त उनके मानस पटल पर विष्णुपुर के जोर बांग्ला मंदिर की टेराकोटा तथा देनहाट की कृष्ण मूर्तियों का विशेष प्रभाव पड़ा। इस संबंध में उनके बनाए मिट्टी के खिलौने बड़े महत्व के हैं, जिनमें बेहद लचीलापन है। उन्होंने लकड़ी पर नक्काशी के अपने काम में भी वाह वाही पाई। कुल मिलाकर उन्होंने चित्रतल पर जिन आकारों को संजोया, वे भीड़ भाड़ वाले नहीं थे। उनमें सपाट हमवार रंगों को भरा गया था, जो प्रायः ठंडी रंग योजना के हिस्से होते थे। मोटी रेखाएं वेग व आवाज लिए होती थी, इसी से रूप में स्वरूप की परछाई पूर्ण रूप से उतरी है। उनके कुछ प्रमुख चित्र हैं ईसा मसीह, श्रृंगार, नर्तकी, मृदंग वादक, माँ शिशु, संथाल स्त्रियां, भेंट, सीता की अग्नि परीक्षा, टैगोर और बापू, पुजारी ने रथ यात्रा, घोड़ा गाड़ी, राम भक्त हनुमान, दिल्ली, तीन योद्धा, वृक्ष के नीचे दो गोपिकाएं, ईसा और दो शिष्य, ईसा की सूली, तीन स्त्रियां, संथाल नृत्य, रामायण का दृश्य, मछली दबाए बिल्ली, एक मछली, केकड़ा, लोमड़ी, हाथी आदि। बिल्लियों के विभिन्न चित्र कालीघाट चित्रों की पद्धति में बनाए, जो राजनीतिक स्थिति पर व्यंग हैं। यामिनी राय ने कहा कि मैं बाल कला से प्रेरित हूँ। 88 वर्ष की आयु में 24 अप्रैल 1972 ईस्वी में कोलकाता में उनका स्वर्गवास हुआ। वे पहले भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने माटी की गंध को महसूस किया और अपने देश के विशुद्ध लोक कला रूपों को अपने चित्रों का विषय बनाया। उनके संयोजन उग्र मन को भी शीतलता प्रदान करते थे। उनके चित्रों में प्रदर्शित विषय वस्तु भी सीधी सादी थी, जो भारतीय मानस की निष्कपटता का प्रतीक कही जा सकती है। उन्होंने
भारत की चित्र परंपरा पर अपने पूर्ण अधिकार को नई समृद्धि और नई महत्व से अधिक महत्वशाली बनाया है। बुनियादी तत्वों के ठेठ, अनलंकृत और पूरी तरह से न्यूनतम उपयोग के द्वारा वे चित्रकला के मूल तक पहुंच जाते हैं। अनेक वर्षों तक सैद्धांतिक शैली में चित्रकारी करने के बाद उन्होंने अंततः इसकी निरर्थकता को समझा और चित्रकला की उसका उचित स्थान दिलाने के लिए वे नए सिरे से जुट गए। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यामिनी बाबू का सरल स्वभाव, धार्मिक रुचि, शोषित के प्रति आकर्षण तथा बाल सुलभ व्यक्तित्व उनके कृतित्व में पूरी तरह सच्चाई के साथ उभरा है। इस लेक्चर में हमने यामिनी राय के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम राजा रवि वर्मा की कला के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।